या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो चलिए, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ वो कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द आईटी कंपनी इन इंडिया और उसकी अपकमिंग ऑफिस। जी हाँ, लास्ट 2-3 सालों में आईटी कंपनी कोलकाता में किस तरह से ग्रो हुई है और अभी वो कहाँ कहाँ ऑफिस है, या कौन कौन सी कंपनी कोलकाता में है, कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोलकाता में है, या कौन सी स्टार्टअप कोलकाता से अभी रन हो रही है, तो इन सभी का आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ इसे लाइक लास्ट तक देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो देखिए, तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ आईटी कंपनी इन इंडिया और उनके अपकमिंग ऑफिस के बारे में। तो पहला स्टार्ट होता है आपका TCS के साथ। TCS, जैसा आपको पता है कि इसका इसका अराउंड 40,000 से 45,000 एम्प्लॉयज़ कोलकाता से काम करने वाले हैं और आने वाले वक्त में वो बढ़ेगा, वो काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिलिकॉन वैली में इसके 20 एकड़ की ज़मीन ली है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जो कि 2025 कहा गया है। मैं कहता हूँ 2026 तक वो बन के रेडी हो जाएगा। सिमिलरली उनके गीतांजलि टेक पार्क, जो कि अभी इनके सबसे बड़े पार्क में से एक पार्क है, जिसमें अभी 2 बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए शिलान्यास कर गया है, जो कि 20+3 3 फ्लोर का बेसमेंट होगा, 20 फ्लोर का बिल्डिंग होगा। सेम एक और बिल्डिंग 15+2+1 या 15+3, तो ये 2 बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने के बात है। और अभी करीब करीब 40-45,000 है, तो आने वाले वक्त में ये 50 या 60K नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कोलकाता से TCS से काम करेंगे। दूसरी अपकमिंग ऑफिस या दूसरी अपकमिंग आईटी कंपनी जिनके ऑफिस कोलकाता में है या और वो एक्सपैंड करने वाली है, वो है आपका वेप्रो। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। तो वेप्रो अपकमिंग, अभी तक उनकी 20 एकड़ की ही की एक टेक पार्क है, जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से रन होता है, पर अपकमिंग ईयर्स में मैं कहता हूं कि 2025 तक उनकी उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं होपफुल हूं कि 25 नहीं तो चलो भाई 27 तक तो वो रनिंग हो ही जाएगा, जो कि 50 एकड़ का बड़ा सा कैंपस है जी, 50 एकर्स का वो बन के रेडी हो जाएगा। आपका पाइलिंग का काम स्टार्ट हो गया है और अभी करंट आपकी वेप्रो कोलकाता में एम्प्लॉज स्ट्रेंथ है 10,000, जो कि बढ़ करके आपका 2026 या 2027 तक वो 20 से 30,000 तक आराम से हो जाएगा। थर्ड कंपनी है जिनके ऑफिस कोलकाता में बन रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, वो आपका है कॉग्निजेंट CTS। CTS अभी देखिए कहाँ कहाँ है, ग्रीन टेक पार्क कैंडोर में, टेक्नो कॉम्प्लेक्स DLF2, DLF1, टेक्नोपोलिस, बंगाल इंटेलिजेंट पार्क ETC और बहुत सारा इस तरह के कोलकाता में 9 ऑफिस है। और अभी ये अपना एक और डेडिकेटेड ऑफिस, जो कि 15 एकड़ है सापूजी के पास, जो कि आपका न्यूटन एक्शन एरिया 3 पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने 15 एकड़ का ज़मीन लिया है, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। करेंटली 20 से 25 के एम्प्लॉय है। मैं सबका लोअर लिमिट लेके चल रहा हूँ, अपर नहीं, तो इससे ज़्यादा ही एम्प्लॉय होंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ। थर्ड कंपनी है जो कि LTI Mindtree, 2002 से इन्होंने अपना पहला ऑफिस स्टार्ट किया था और अभी कोलकाता में इनका प्रेजेंटली 3 ऑफिस रनिंग है। और उनका एक बड़ा सा ऑफिस जो कि 18.92 एकर्स में बंगाल सिलिकॉन वैली में, जो कि बन रहा है, इन लोगों का कहना है कि मैं 2024 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दूंगा और 2025 तक 25 से यहाँ पर मैं काम करूँगा। मैं एक साल और डिले ले लेता हूँ कि अभी प्रेजेंटली इनका 5,000 एम्प्लॉय है, 2026 तक इनका 20 से 25,000 एम्प्लॉय LTI Mindtree का कोलकाता से काम करेगा। जी हाँ, ये सारा फैक्ट डेटा है, आप इन सब का वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है ITC Infotech, जो कि आप समझ सकते हैं ITC लिमिटेड का ही आईटी ब्रांच है। ITC लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये कोलकाता में आईटी कंपनी है, पर कोलकाता में अभी जस्ट 5,000 एम्प्लॉय है, पर न्यूटाउन में इनका 50 एकड़ का ये बन के तैयार हो गया है और इसी साल 2024 से ये कैंपस ऑपरेशनल हो जाएगा। 2025 से इसमें कम से कम 10,000 और नए एम्प्लॉयज़ इंक्लूड होंगे। तो नेक्स्ट कंपनी के पास चलता हूँ, इसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस का अभी प्रेजेंटली मनीकासा में एक छोटा सा सेटअप है, 50 से 1,000, जो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, और इसका
कंस्ट्रक्शन लमसम कंप्लीट है, 50 एकड़ का लैंड है, 50 एकड़ में आपका 5 से 6-7 एकर्स में ही या 10 एकर्स में ही कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट किया है और ये इसी साल से ऑपरेशनल हो जाएगा। बाय 2025 से इसमें मिनिमम 5000 एम्प्लॉयज आपके इन्फोसिस में काम करने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी के पास जाता हूँ जो कि कोलकाता में है या कोलकाता में एक्सपैंड कर रहे हैं इन और जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, वो थर्ड कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये भी कोलकाता बेस्ड कंपनी हो है। जिन्हें नहीं पता उनमें बता दूं जो कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है CESC संजीव गोयनका, उसकी ये कंपनी है। ये 2010 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अभी ये 3000 एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है। अब बंगाल सिलिकॉन वैली में इसने 2-4 एकर्स का कैंपस बना रहे हैं, अराउंड 10,000 स्ट्रेंथ ये उसमें ईजिली ऐड करेंगे। तो ये फ्यू बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो कि कोलकाता में अपना ऑफिस सेटअप किए हैं या फिर अपना खुद का कैंपस सेटअप कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद का ऑफिस नहीं पर लीज में प्रॉपर्टी ले ले करके एक्सपैंड कर, जैसे एक्सेंचर्स की ऑफिस काफ़ी एक्सपैंड हो रही है। शुरू 2-3 साल पहले उन्होंने 2 फ्लोर से स्टार्ट किया था, अभी वो बिल्डिंग्स में अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहे हैं। केप जेमिनी वीडियो बना रहा हूँ, इसके 2 दिन पहले ही जहाँ मैं काम करता हूँ उसका 2 फ्लोर इसने अक्वायर किया। तो पहले जब मैं स्टार्ट में 2 साल पहले जब मैं कैंडोर में जाता था तो 2 या 3 फ्लोर था इसके पास, अब करीब करीब 8 से 10 फ्लोर ये एक्सपैंड कर चुके हैं। टेक महिंद्रा भी कोलकाता में एक्सपैंड कर रहे हैं। SCL, डेलॉयट का तो आप देख ही सकते हैं कि डेलॉयट जब से आया है 3 से 4 जगह डेलॉयट्स ने एक्सपैंड किया। मैं इसे एक्सपेंशन में रख रहा हूँ बिकॉज ये लोग अपना डेडिकेटेड कैंपस नहीं ले रहे हैं, ये लोग कैंपस को या ऑफिसेस को लीज में ले रहे हैं। लीज प्रॉपर्टी भी आप जैसे जानते हैं आईटी कंपनी में लीज प्रॉपर्टी भी एक्सपेंशन ही मान सकते हैं, बट इसे मैंने सेपरेट रखा है क्योंकि ये इनकी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी टेक पार्क में अपना प्रॉपर्टी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से EY ने भी लास्ट 2 ईयर्स में अपने स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाया है, KPMG PwC। तो चलिए, ये सारी ऑफिसेस थी जिनका ऑफिस कोलकाता में पहले से था या तो फिर कोलकाता में डेडिकेटेड लैंड लेकर के, जी ये सारा लैंड लेकर के अपने ऑफिसेस को बढ़ाया है। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि नए में 2023 और 24 में नया ऑफिस कोलकाता में सेटअप किया है। उसका नाम में से कुछ है कार्लसॉफ्ट, जेंसर, ग्रैंड थॉर्नटन, परसिस्टेंस, मैकेंजी, AML, राइट सोर्स, FSI, UST, तवांत, IQVIA, जोरोटेक, गियर इंक, कोन कॉरपोरेशन, CBRE, वॉर्ली, एवेसेस, रैनस्टैड, डीजी बॉक्स, जोहो एंटिटी। अब इसमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि कोलकाता में अभी काम तो कर लिए हैं या तो इन्होंने लैंड भी ले लिया है, एंटिटी ने लैंड ले लिया है और अभी वो वर्चुअल काम कर रहे हैं। कुछ कुछ कंपनी जोहो वाले वर्चुअल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कि कोलकाता में अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ऑफिस छोटा लिया है या कुछ ऑफिस नहीं लिया पर कोलकाता में वर्चुअली वो काम कर रहे हैं। अब इसके साथ अब कुछ ऐसी कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनी जो कि प्लानिंग कर रहे हैं बड़े बड़े ऑफिस कोलकाता में खोलने का, जिनकी ऑफिस पहले से नहीं थी, अब वो कोलकाता में आ करके अपनी कुछ नई ऑफिसेस बना करके यहाँ से रन होने का प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने लैंड ले लिया है। जनरली मैं कहूँ तो सिलिकॉन वैली में लैंड ले लिया है और जो प्लानिंग हो रहा है कि भैया नया ऑफिस नया से सेटअप बाय 2026 के स्टार्ट से वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इनमें से कंपनी का नाम में से जो नाम है, पहला नाम आता है जियो का टेक पार्क जो कि आपका डेटा सेंटर हो गया, देन अदानी का, ओरेकल ने कर्नर को अक्वायर किया है और इनका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है कोलकाता में, पर मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि इनका ऑफिस जल्द ही कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगा कि इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को चेंज करके वो डेवलपमेंट सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे।
उनकी आप वेबसाइट में भी कोलकाता का नाम आप आराम से देख सकते हैं, पर मैं कह दूं वो डेवलपमेंट सेंटर नहीं है अभी, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, जस्ट पेपर वर्क होता है, पर जल्द 2-3 सालों में वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से एक डेटा सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एंटिटी डेटा, एंटिटी डेटा एक बिग प्लेयर है आपका ये डेटा सेंटर का, जिसने बिगोल सिलिकॉन वैली में लैंड भी ले लिया है और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है और हायरिंग भी कर रहा है वर्चुअल। अब वो स्टार्ट करना चाह रहा है कि विदाउट ऑफिस ऑल्सो वो वर्चुअल हायरिंग कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम दे करके लोगों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देन फ्यूजी सॉफ्ट, IML लैब्स, हेक्सावेयर, STT ग्लोबल डेटा सेंटर, सिट्रस ग्लोबल डेटा सेंटर, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, एयरटेल नेक्स्ट्रा, तो ये सारा ये कंपनीज हैं जो अपना ऑफिस इंडिया में सेटअप करना चाह रहे हैं बाय 2026, और इसके लिए उन लोगों ने लैंड ले लिया है और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया कंस्ट्रक्शन करने का, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अभी से ही हायरिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड रहे। ठीक है, तो ये सब के बाद तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक शुरुआत में जो मैंने कंपनीज बताई जो कोलकाता से आज ऑपरेशनल्स हो गए हैं, कोलकाता में उनकी ऑफिस है और वो अपना डेडिकेटेड ऑफिस सेंटर बना रहे थे, तो वो हो गया। सेकंड मैंने लिस्ट किया कि जो के लीज लेकर के अपना ऑफिस एक्सपैंड कर रहे हैं, ये सारे नाम थी, और कुछ कुछ जिन्होंने अपनी ऑफिस नहीं खोली है तो वो ये लिस्ट में नाम है जिन्होंने अपनी ऑफिस नहीं खोली है। कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि अब ऑफिस खोलना चाहते हैं, जिन्होंने अपना डेडिकेटेड लैंड लेकर के ऑफिस खोलना चाहते हैं, जिनकी ऑफिस कोलकाता में नहीं थी, वो ये लिस्ट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज जो कोलकाता में हैं, जो कोलकाता में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कि लास्ट 2 ईयर में उतना एक्सपैंड नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में शायद वो एक्सपैंड करेंगे, तो उसमें IBM, PwC, SAP, जेनपैक्ट, एरिक्सन, कॉन्सेंट्रिक, लेक्समार्क, कर्नर, जोरियंट, हाईलैंड, तो ये कुछ उस तरह की फेमस कंपनी है जो कोलकाता से कम रन कर रही है, पर उन्होंने अपना ठीक है लास्ट 2 ईयर्स में उतना एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है एक्सपेंड करें, इसके बारे में मुझे उतना न्यूज़ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो प्रोडक्ट कहते हैं कोलकाता में कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं, तो कुछ कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है जो कोलकाता से रन करती है, जो सक्सेसफुल है, जो आज काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी आराम से रन कर रही है और मार्केट भी ठीक ठाक शेयर करे। तो उसमें से कुछ फेमस का नाम, अगर आप लोग को और किसी का नाम पता है तो प्लीज़ उसमें बताएं। जैसे पहला नाम है एम पॉकेट, एक अच्छा फाइनेंस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि अच्छा कर रही है। मी हब कम्युनिकेशन, आपको पता होगा कि ये AI पे अच्छा काम कर रही है और अच्छा इसे टाटा का कई कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। जोरियंट, कोवियर, फ्यूजन सॉफ्ट का मैं दीवाना हूँ, फ्यूजन सॉफ्ट का मैंने खुद प्रोडक्ट अपने एप्लीकेशन में यूज़ किया था, तो फ्यूजन सॉफ्ट, अजूबा, वेलिस टावर, वॉटसन, हाईलैंड की साइट, तो ये कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि कोलकाता से रन करते। आई नो ये लिस्ट बहुत कम है, बट स्टिल ये ग्रो हुआ है कुछ सालों में, 5-10 साल में, ये नहीं कहूँगा 1-2 साल में, 4-5-10 साल में ये ग्रो हुआ है, और आने वाले वक्त में होपफुल रहें कि और भी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ आएगी। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ स्टार्टअप का जो कि कोलकाता से रन करती हैं और अभी काफ़ी सक्सेसफुली वो रन कर रही हैं, तो ये सब आप लोगों को ध्यान में जरूर रहता है कि हाँ भाई कोलकाता से कोई स्टार्टअप है कि नहीं। तो ये देखिए कुछ स्टार्टअप है जिसमें पहला नाम है ऑनलाइन लीगल इंडिया IT, ये कोलकाता का स्टार्टअप है जो कि सक्सेसफुल है। एम पॉकेट, जैसा मैंने बोला, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है। वाओ मोमो, आप लोग मोमो तो ज़रूर खाते हैं, वाओ मोमो का नाम आई थिंक आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। बैंक में बंधन बैंक, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कोलकाता से निकला है बंधन बैंक, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मी हब का अच्छा सक्सेसफुल रहा है। स्नैप ई भी बढ़िया स्टार्टअप रहा है, जो कि अच्छा सक्सेसफुल कर रहा है। ग्लोकल हेल्थ केयर, अगेन एक हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाया है। फ्यूजन चार्ट, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, अरोहा फाइनेंस, सस्ता सुंदर, आपका फ्लिपकार्ट में जो आपका मेडिसिन आता है डेट इज़ सस्ता सुंदर, उस काम होता है उसमें। आसानिफा, डेटा सूत्र, स्टॉक एज, तो ये कुछ स्टार्टअप है जो कोलकाता से रन हो रहा है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसमें कोलकाता की डिफरेंट कंपनी, जो प्रेजेंट कंपनी है जो एक्सपैंड कर रही है, मैंने एक्सपेंशन के साथ साथ मैंने ये भी कहने की कोशिश किया कि आपको कहाँ एक्सपेंड कर रही है वो मैं बता सकूँ, ताकि आप लोग और कितनी ऑफिसेस प्रेजेंटली रन हो रही है, कहाँ से रन हो रही है वो मैं बता सकूँ, ताकि आप लोगों को ये न्यूज़ सही से मिले, हवा हवाई ना लगे। आप से कोई पूछे कि हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है तो आप बता सकें, देख सकें। फिर मैंने बताया कि चलिए कुछ कुछ कौन सी कंपनी ने किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, कुछ कौन सी कंपनी नया आपके ऑफिस सेटअप किए हैं, और 2023 और 2024 के स्टार्ट तक कौन सी कंपनी लैंड ले करके कंस्ट्रक्शन कर करके आपका स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, और कौन कौन सी कंपनी कोलकाता में है अदर देन दोज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोलकाता में है कि नहीं है तो कौन कौन सी कंपनी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कोलकाता से कोई स्टार्टअप है कि नहीं। तो ये कुछ कुछ स्टार्टअप है जो कोलकाता से चलती है, जो कोलकाता से चलती है और दे आर सक्सेसफुल, मीन ये सक्सेसफुली कोलकाता से रन हो रही है और काफ़ी अच्छा रन हो रही है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा और क्या इतना हेल्पफुल है कोलकाता का फ्यूचर को लेके। और प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने लिंक्डइन फेसबुक प्रोफाइल में, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ कोलकाता में कोई आईटी कंपनी है या नहीं है, या फिर कोलकाता में आईटी कंपनी किस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू एंड बाय बाय।